कांग्रेस ने तो हरियाणा में भी दावा किया था कि हम सरकार बना रहे हैं, यानी कांग्रेस सरकार बना रही है। उड़ीसा में भी दावा किया था कि वो सरकार बना रहे हैं, लेकिन चारों खाने चित हुई कांग्रेस। राजस्थान में भी यही माहौल है, मैं अधिकांश सीटों पर होके आया हूं, चारों खाने चित है, सात में से सात सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और ऐसे लोगों को कौन वोट देना चाहेगा जो कांग्रेस है उसके नेता है सोनिया गांधी जी, जो 2011 में ऐसा प्रस्ताव ला रही थी जिसका नाम था सांप्रदायिक हिंसा लक्षित अधिनियम 2011। सांप्रदायिक हिंसा लक्षित अधिनियम ये था कि यदि कोई दंगा हो जाए हिंदू मुस्लिम का और उसमें हिंदुओं की महिलाओं के साथ बलात्कार हो, उनके घर जला दिए जाएं, लूट लिए जाएं, कितने भी हानि जनहानि कितना ही बड़ा नुकसान कर दो, तब भी दोषी हिंदू ही होगा, हिंदू ही होगा। और ये कानून इसका प्रस्ताव किसने बनाया था? लगभग सब गैर हिंदू थे और एक दोस्त में हिंदू थे तो ऐसे थे जो इस देश में विश्वास नहीं रखते थे, वो तो भारतीय जनता पार्टी का भला करो कि उन्होंने तगड़ा विरोध करने के बाद वो प्रस्ताव लोकसभा में नहीं ला पाए, नहीं तो इस देश को इस्लामियत से रंगने का षड्यंत्र चल रहा था। आपको यह भी पता होगा कि वक्फ अधिनियम 2013 संशोधित, उसमें यह प्रावधान था कि नमाज पढ़ने वाले लोग कहीं भी नमाज पढ़ लेते हैं या सामूहिक कार्यक्रम कर लेते हैं, धार्मिक कार्यक्रम कर लेते हैं या बैठ जाते हैं और वक्फ के रजिस्टर में जाके लिख देते हैं कि जमीन हमारी है, तो कुछ दिन बाद जिला कलेक्टर को दरख्वास्त देंगे साहब ये जमीन हमारी है, तो कलेक्टर को उसको उनको कब्जा दिलाना पड़ेगा, यानी मेरी जमीन में बैठ गए तब भी कब्जा, किसी में बैठ गए कब्जा, ऐसे करके इन्होंने 25,000 मंदिरों पर दावा ठोका हुआ है कि वक्त की जमीन है, यानी इस देश में देश की जमीन हड़प करके एक इसको देश को इस्लाम देश बनाना चाहते थे, परंतु इसके मंसूबे पूरे नहीं हुए, ये कांग्रेस करना चाहती थी। ऐसे लोग कौन वोट देगा जिसने भगवान राम के मंदिर का विरोध किया हो और कहा हो कि या मंदिर मत बनाइए या शौचालय बना दीजिए। ऐसी कांग्रेस है जो पूरे हिंदुस्तान को तहस नहस करना चाहती थी और आतंकवादियों के हाथों में काम सौंपना चाहते थे। आपने सुना होगा जो बाटला हाउस में जब आतंकवादी मारे गए तो सोनिया गांधी रात भर आंसू बहाती रही, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये राष्ट्रीय कांग्रेस की जो राष्ट्रीय पप्पू हैं राहुल गांधी जी ने, उसने ये बात कही कि मेरी मम्मी रात भर रोती रही थी। ये जो आतंकवादी कसाब जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सजा सुना दी फांसी की, उसको बचाने के लिए रात को 12 बजे सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाए। और राजस्थान की बात करूं तो 70 लाख लोगों का भविष्य अंधकार में किया इन्होंने, 70 लाख जो नौकरियां पाने के लिए जिन्होंने परीक्षाएं दे रहे थे उन सबके पेपर बेच दिए इन्होंने, करोड़ों रुपए कमाए, लेकिन हमारे बच्चों की चिंता नहीं की, उनका भविष्य अंधकार में कर दिया है। और इनको लगा कि बच्चे पढ़ रहे हैं थोड़े बहुत तो इनको कैसे बर्बाद करें, इसलिए अंग्रेजी स्कूल खोलने का बहाना बनाया, खोले नहीं, हिंदी स्कूलों के ऊपर ही अंग्रेजी का बोर्ड लटका दिया, ये महात्मा गांधी विद्यालय हो गए अंग्रेजी माध्यम का। अब अंग्रेजी माध्यम के पढ़ाने वाले के पास टीचर ही नहीं है तो कौन पढ़ाएगा, तो वो हिंदी स्कूल जो चल रहा था उसमें आधे इसमें आधे आधे टीचर अंग्रेजी में ले आधे टीचर वहां रह गए, तो उन आधे टीचर से बच्चे हिंदी भी नहीं पढ़ पाए, हिंदी माध्यम भी नहीं पढ़ाए, अंग्रेजी माध्यम भी नहीं पढ़वाए, तो सारे बच्चों का भविष्य अंधकार कर दिया। ऐसा लगा जैसे कोई राजस्थान के बच्चों के या विद्यार्थियों के दुश्मन हो। डेवलपमेंट के काम होना चाहिए था लेकिन भ्रष्टाचार में
सारा पैसा देता था, कौन करे, खुद का पेट भरना था। और सभी एमएलए को पूरे अधिकार दे दिए। अधिकार क्या, तुम चाहो जितनी अवैध बजरी बेच सकते हो, तुम चाहे जो अधिकारी लगा सकते हो, फिर उसे बंदियां ले सकते हो, लूटपाट कर सकते हो। ये कांग्रेस ने किया है, इसलिए सारी जनता समझ गई है कि किसी भी कीमत पर हम कांग्रेस को वोट नहीं देंगे, भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे, जो देश की रक्षा की चिंता करती है, देश के सम्मान की चिंता करती है, संघ सर्वांगीण विकास कराती है और सबके भले की बात सोचती है। पूरा देश भगवा का ही है, क्योंकि हमारे देश में जो अग्नि की लौ निकलती है वो केसरिया होती है। हमारे देश का आजादी का पहले का झंडा तो केसरिया ही था। जब सूर्य भगवान उदय होते हैं तभी उनका भगवा रंग रहता है, और जब अस्त होते हैं तभी उनका भगवा रंग रहता है। इसलिए जब सूर्य की रोशनी से होती है तब भगवा, पूरा देश भगवा है। इंग्लिश मीडियम स्कूल्स को बंद किया जाना चाहिए, इस पे हमारे एक्सपर्ट विचार कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादा दिनों तक बच्चों का भविष्य अंधकार में ना हो, कुछ हम भी इस पे असेसमेंट कर रहे हैं। और इसके माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक कमेटी बना दी है, वो सर इस पर विचार करके सार्थक निर्णय करेंगे। ना तो गुजरा को डाइवर्ट होगा, न मीणा को डाइवर्ट होगा, न राजपूत को डाइवर्ट होगा, न खटिको को डाइवर्ट होगा, न मालियों को डाइवर्ट होगा। हमको सब समाज के लोग वोट देते हैं, और गुजर तो सामान्य व्यक्ति हैं, हम सबको अष्टपुष्ट रखने का उन्होंने किया है। हमको दूध पिलाते थे वो लोग, और पिलाते हैं, आज भी पिलाते हैं। तो गुजर क्यों डाइवर्ट होगा, गुजर भी इस राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़े हुए हैं। जब मैंने कहा ना पहले आपको सांप्रदायिक हिंसा लक्षित अधिनियम 2011 और वक्त अधिनियम 2013, वो भी तो हिंदू हैं, वो भी तो इस देश के नागरिक हैं, वो भी इस देश के बारे में अच्छा सोचते हैं, तो क्यों वोट देंगे उनको।